हम बात कर रहे हैं आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मूले, कुछ मिसलेनियस टेक्स्ट फॉर्मूले, उसको हम एक बार जान लेते हैं। हमने बैटेक्स कर लिया था, कैर क्लीन कोर कर लिया था, कॉनकेट भी कर लिया था। अब बात करते हैं डॉलर, एग्जेक्ट और फिक्स के बारे में, तीन फॉर्मूले इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जैक्ट की। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या करता है? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया राम, और इसके बगल में भी मैंने लिख दिया राम, दोनों राम इक्वल है ना, ए राम और ए राम। अब मैं यहां पे इन दोनों को इक्वल प्लेस कर देता हूं, तो यहां पे देखिए ट्रू आ गया, आ गया ट्रू। लेकिन मैं चाहता हूं एग्जैक्ट मैच हो, कि दोनों का केस जो है ना इकट्ठा होना चाहिए। तो यहां पे एग्जैक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जैक्ट बी टू कॉमा सी टू। ठीक है, अब एंटर प्रेस कीजिए तो यहां फॉल्स आएगा। ये ट्रू कब आएगा? जब दोनों में आपका ट्रू होगा, दोनों अगर ट्रू होते हैं, राम और राम दोनों ट्रू होते हैं, तब जाके यहां भी आपको ट्रू होगा। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला इसके लिए वर्क करता है। अब यहां पे राम को अगर दोनों में डाल देता हूं तो राम बन जाएगा। अब बात करते हैं डॉलर और फिक्स की। जैसे मान लीजिए मैंने अमाउंट 1500 डाला, अब इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग आसानी से अप्लाई हुआ जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको, दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं कि अगर मैंने फॉर्मूला डॉलर के अंदर या फॉर्मूला फिक्स के अंदर डाल दिया, तो अब इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो फॉर्मेटिंग वर्क ही नहीं करेगा। डॉलर लगाने से आपका जो लेटेस्ट ए है, सिंबल है रुपीज का, वो आ जाएगा। जैसे कि ये आपका रुपीज का सिंबल दिख रहा है ना, राइट। तीन फॉर्मूले हमने बताया। इसका यूज क्या है, डॉलर का, फिक्स्ड का? जैसे आपने इनवाइस वगैरह में लगा देते हैं, एक बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने बैंक का चेक्स के अनेक्शन बनाया था। तो अनेक्शन में हुआ क्या था कि जो अमाउंट वाला कॉलम था ना और जो चेक नंबर वाला कॉलम था, तो अमाउंट वाले पे डेट अप्लाई हो गया था और चेक नंबर वाले पे जो है वो टाइम अप्लाई हो गया था फॉर्मेटिंग। और मैंने देखा नहीं, प्रिंट आउट निकाल के हमने बैंक भेज दिया, अब सारे चेक्स वापस आ गए क्योंकि एनेक्सर्स के अंदर में था ही नहीं। बैंक वाले चेक नंबर से देखिए एंट्री करेंगे नहीं, एनेक्सर्स से देखिए एंट्री करेंगे। तो उस केस, उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे ऐसी गलती ना हो कि आपका फॉर्मेट चेंज ना हो प्रिंट आउट होने से पहले या पीडीएफ में कन्वर्ट करने से पहले। ठीक है मैम, यस सर। अब यहां फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं।